हदी का वो अम्मी अबू ने रिश्ते से इनकार कर दिया। क्या? लेकिन आतिफ तुमने तो कहा था कि तुम अपने पेरेंट्स को मना लोगे। आतिफ मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी किसी और से नहीं करूंगी। मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। चुप क्यों हो गए, कुछ तो बोलो। आतिफ तुम हंस रहे हो या मेरी जान पे बनी हुई है? अरे बाबा नाराज क्यों होती हो, मैंने अम्मी अब्बू को मना लिया और वो अगले हफ्ते तुम्हारे यहाँ रिश्ता लेकर आ रहे हैं। देखो आतिफ आइंदा प्लीज ऐसा मजाक मत करना, नहीं तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अब मरने की बातें छोड़ो और जीने की बातें करो। अब हमने नई जिंदगी की शुरुआत करनी है और मैं चाहता हूँ इस जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशी हो। बस अच्छा चलो अब मैं फिर कॉल बैक करता हूँ। हमारे आबाओ अजदाद का ताल्लुक दमिश्क से था, कई सौ साल पहले मुल्तान आकर बस गए, बस अभी तक यहीं पर हैं। हाँ अगर आप कहें तो शजर नस्ब भी दिखा सकता हूँ मैं आपको। अरे नईम साहब अब ये शजरे वजरे में कुछ नहीं रखा है, किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाएं, 300-400 रुपए दें, बेहतरीन शजरा निकाल के दे देगा आपको। वैसे ये सब बातें जो है ना हम लोगों के दौर में तो चलती थी, लेकिन अब इन सब बातों की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं भाई साहब, खानदानी लोग तो आज भी इन बातों को अहमियत देते हैं। कैसा खानदान, कैसे लोग भाई, आजकल की लड़कियां तो खुद ही लड़के फांस कर और लड़के से कहती हैं कि अपने घर वालों को भेज दो हमारे घर रिश्ता लेके। क्यों जी, ठीक ही कह रही हूँ ना, सारे कयामत की निशानियाँ है ये। बड़े बुजुर्ग कहते थे लड़की पर मांगेगी गाय गोबर खाएगी, कुड़ियों में राशन बटेगा, देखिए हमने थोड़ा थोड़ा सा राशन जो रख दिया है। आपके कहने का मतलब क्या है भाभी, क्या आप हम पर तंज कर रही हैं? भाभी ये मेरी बेटी है। तो ये है वो जिन पे आतिफ मर मिटे थे। आप नाक तो ऐसी मामूली सी है, कोई इतनी खास तो नहीं है, पता नहीं आतिफ ने देख के क्या पसंद किया। बेटा यहाँ चाय रख के चली जाओ। आप चाय लीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। जी नहीं, आपने इस चाय में चीनी डाली होगी और मुझे शुगर है, आपको तो पता ही है ना। हाय अंकल आंटी। हाय, ये कौन है? ये मेरी छोटी बेटी अस्मा है। क्यों, कोई इतराज है आपको? अरे इतराज तो आपको होना चाहिए, आप बाप हैं इसके। वैसे लगता है कि इसके रिश्ते के अंदर आपको जरा भी एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेंगी, अपनी बड़ी बहन की तरह खुद ही कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लेगी। अरे सुनते हैं, मैं तो कयामत की एक निशानी और बताना भूल ही गई, हर घर में नाच गाना होगा। अब इनके कपड़ों से ही अंदाजा लगा लें कि इस घर में कितना नाच गाना होता होगा। बस करें आप लोग, अब अगर आप लोगों ने एक मर्तबा भी मेरी बेटियों के बारे में कोई लफ्ज कहा तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप लोग मेरे मेहमान हैं। नहीं साहब, आपको शायद अब तक ये नहीं पता कि जिस घर में लड़की दी जा रही होती है ना, उन लोगों से इस लहजे में बात नहीं करते हैं। ये आपकी भूल है कि मैं आपके घर में अपनी बेटी ब्याहूंगा, समझे आप? मैं अभी और इसी वक्त इस रिश्ते से इनकार करता हूँ। चलो जी, कसम जहाँ पाक, अच्छा ही हुआ इन्होंने अपने मुंह से मना कर दिया। हम तो आतिफ की वजह से मजबूर होकर यहाँ रिश्ता लेने आए, वरना इस घर में हम रिश्ता लेकर आते कभी भी नहीं। अच्छे खानदान के लोग हैं हम। चलो जी चलो। भाभी बस, आप लोग जा सकते हैं। आइए चले।
अतिका बेटा दरवाजा खोल, अतिका दरवाजा खोल, देख बेटा देख, कोई उल्टी सी हरकत नहीं करना बेटा, दरवाजा खोल। अम्मी, अगर मेरी शादी आदम से नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी, आज से मैं खुद को खत्म करके ही रहूंगी। जब पागल हो गई है बाजी, प्लीज दरवाजा खोले। अम्मी, अगर मेरी शादी आदम से नहीं हुई तो मैं खुद को मार दूंगी। अरे ये क्या शोर मचा रखा है, खोले ना दरवाजा, फटो मैं देखता हूँ। अरे देखे ना, ये दरवाजा नहीं खोल रही कुछ। अधिका बेटा, अधिका दरवाजा खोलो, प्लीज बाजी दरवाजा खोलो ना, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। अरे देखे, कोई हम आपको नुकसान ना पहुंचाने। तेरी शादी वहां करना चाहता था, मगर तूने उसके बाप का रवैया देखा था, किस तरह जलील करके मुझे किया था, तेरी जिंदगी भी जानू बना देंगे जानू, समझे तू? मुझे कुछ नहीं पता। बेटा देख, तू बाजी आप कैसी बातें कर रही हैं, क्या हो गया आपको? तुम चुप रहो, छोटी है छोटी बच्ची ना, ठीक है बेटा, घर तेरी यही मर्जी है ना, जा गुजार अपनी जिंदगी। नईम साहब, उस दिन तो आपने कहा था कि अगर आप मर भी जाएंगे तो भी हमारे घर अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे, और आज आप खुद रिश्ता देने की बात कर रहे हैं, भाई जबान के बड़े कच्चे हैं आप। वो दरअसल मैं उस दिन बहुत जज्बाती हो गया था, मैं अपने रवैये की माजरत चाहता हूँ। ठीक है जनाब, अगर अब शादी होगी तो हमारी शरायत पे। अरे परेशान ना हो, शरायत कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अरे आप अपनी बेटी को गाड़ी तो दे ही रहे होंगे, बकौल आपके के बड़े खानदानी हैं आप, और मर्दों के लिए गोल्ड प्लेटेड रिस्ट वॉच और औरतों के लिए साड़ियां तो देंगे ही आप। जी बहुत बेहतर, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। और हाँ, दूल्हा की अम्मा के लिए भाई आप एक सोने का सेट तो देंगे। अच्छा, 5 तोले का काफी है, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। ठीक है, क्या हुआ, ये आपका चेहरा सफेद क्यों पड़ गया? बहुत लंबी फहरिस्त है, लगता है ये फंड्स बैंक से निकलवाना पड़ेगा। और हाँ, हो सकता है कि तुम्हें अपना कुछ जेवर बेचना पड़े। आप खातिर जमा रख के, सब हो जाएगा। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। बहू, बहू, कितनी देर लगाओगी नाश्ते में, भूख के मारे दम निकल रहा है, कितनी सुस्त और काहिल बहू है, चाय बना रही है, लग रहा है पाए पक रहे हैं। बस अंकल 2 मिनट, मैं भी लाई। कहां रख दी इसने मेरी टाई?
कोई चीज ही अपनी जगह पर नहीं रखती। जिम्मेदार लड़की है ही नहीं, मेरे जूते भी नहीं मिल रहे। परेशान करके रख दिया इस लड़की ने। यहाँ भी टाई नहीं है, वहां भी टाई नहीं है। हदीका, हदीका मेरी टाई और जूते कहाँ रखे? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आतिफ, मैंने आपकी टाई अलमारी के सेकंड ड्रॉ में रखी थी, आप वहां पे चेक कर लें, आपको मिल जाएगी। पता नहीं कहां रख दिए इसने। बहू, बेटा नाश्ता दे भी दो, अब देर लगेगी। जी बस आ गई मैं। कोई काम ढंग से नहीं करती है, क्या हिसाब सर पे पड़ा है। अधिका, अधिका, अधिका। जी मैं आई। इधर इधर, एक मिनट, ये देख लो ये पराठा कितना जला हुआ है। अरे इसे तो जानवर भी नहीं खाते, तो हम इंसानों को खिला रही हो तुम? और ये चाय, इसका रंग देखो, लग रहा है जोशांदा है। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया? लगता है घर में तो नौकरों की लाइन लगी हुई थी तुम्हारे लिए। अरे आप अपना गुस्सा ठंडा रखें, बिला वजह में ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। मैं ही आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। जब बहू घर में आ गई है, उसके बाद भी सास नाश्ता बनाएगी तो आग लगा देना चाहिए ऐसे घर को। अधिका, अधिका, अधिका। जी मैं आई। देखा ना, वहां का काम सही से कर पा रही है और ना ये नाश्ता सही से बना पा रही है। थोड़े में ही खुदा पराठा बना के लिया। कहां थी तुम? गफलत की भी इंतहा होती है ना। मेरी टाई, मेरे जूते, मेरी घड़ी, कोई चीज अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। वो असल में कल बारिश का पानी आ गया था। तो अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश मत करना। देखो दीदी, मैंने अपने घर वालों से लड़कर तुमसे शादी की थी, मुझे उनकी नजरों में शर्मिंदा या जलील मत करना, समझी? पागल है आपकी बेटी, आए दिन उसे दौरे पड़ते रहे। आज उसे फिर नींद की गोलियां खा ली, मैदा वॉश करवाना पड़ गया, और आज मेरी फाइनल मीटिंग थी, उसकी वजह से पूरा दिन बर्बाद हो गया मेरा। बेटा अधिका खैरियत से तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं? बिल्कुल ठीक है वो। और झगड़ा? अरे कैसा झगड़ा, मुझे तो लगता है कोई नफ्सियाती मामला है। और उसकी इस हरकत ने मेरे पूरे खानदान को मुसीबत में डाल दिया। वो तो शुक्र है कि अबू इत्तेफाकन कमरे में आ गए, वरना न जाने क्या हो जाता। तुम फिक्र नहीं करो, मैं आ रही हूँ, मैं उसको आके समझाती हूँ, मैं उसको अपने साथ लेके आऊंगी, कुछ दिन रहेगी तो वो ठीक हो जाएगी। बेटा मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। बेटा, हॉस्पिटल से मैं तुम्हें इसलिए लेकर आई हूँ ताकि मैं तुम्हें समझाऊं। देखो
क्योंकि तुम्हारी खुदकुशी करने वाली हरकतें हमने तो बर्दाश्त कर ली, हम माँ बाप हैं, लेकिन वो तुम्हारे ससुराल वाले वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। ऐसे कब तक जिंदगी गुजरेगी? जिंदगी तो मौत से ही बदतर हो गई है अम्मी, हर वक्त तंज आने डांट डपट, जिंदगी अजाब बन के रह गई है मेरी। बेटा कितना समझाया था तुम्हें, लेकिन तुम तो मरने मारने पे तुली हुई थी। मामा प्लीज, ये वक्त इन बातों का नहीं है, जो होना था वो तो हो चुका है। और वो आतिफ, वो तो तुमसे मोहब्बत करता है ना? आतिफ की मोहब्बत तो सिर्फ एक ख्वाब थी, इश्क समझे थे जिसको हम, शायद था एक नारसाई का रिश्ता मेरे और उसके दरमियान निकला। उम्र भर की जुदाई का रिश्ता। बेटा कहीं वो तुझे तलाक देने का तो नहीं सोच रहा? नहीं अम्मी, तलाक की तो अभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन आतिफ बिल्कुल बदल गए हैं। हर बात पे एतराज, हर बात पे डांट, और जो मेरी सास है उन्होंने भी काम काज से सारा हाथ फेर लिया, मुलाजमा को भी घर से निकाल दिया, और जो मेरे ससुर है वो हमेशा झड़कते रहते हैं मुझे जैसे मैं उनकी कोई जरखरीद गुलाम हूँ। और तुम्हें पता है उस दिन जब तुम घर आई थी तो क्या हुआ था? चली गई इत्मा? जी चली गई। उसे कहना कि आइंदा यहां मत आए, इस मोहल्ले में मेरी कोई इज्जत और मैं नहीं चाहता कि वो इज्जत खाक में मिल जाए। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। इतनी भोली मत बनो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ना हो। जीन्स टी शर्ट पहनना, आवारा लड़कियों के साथ घूमना, ये सब कुछ शरीफ लड़कियों की हरकतें नहीं। आतिफ आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ उसे अपने जहन में बिठा लो, आइंदा की बात अगर वो इस होलिये में यहाँ पर आई तो मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूँगा। और मुझे तो हैरत होती है कि तुम्हारे माँ बाप ये सब कुछ देखते हुए अंधे क्यों बने हुए। मैं जिस किस्म का भी लिबास पहनूं उससे आतिफ भाई को क्या मसला है? उनकी बीवी तुम हो, मैं नहीं। कितनी घटिया सोच है उनकी। अंदाजा तो मुझे भी नहीं था कि मैं अपने आप को किस जहन्नुम में झोंक रही हूँ। तजलील और अजियत का ना रुकने वाला सिलसिला ही है। ये तुम क्या कह रही हो? पहले क्यों नहीं बताया? क्यों ये अज़ियत सहती रही हो? क्या बताती बाबा, मैं पहले ही आप लोगों को बहुत तकलीफ दे चुकी थी। लड़ झगड़ कर मैंने शादी की, इतना भरोसा किया आतिफ पे, आगे जहेज दे देंगे, आपकी कमर टूट चुकी थी, मैं और अजियत नहीं दे सकती थी आप लोगों को, इसलिए मैंने सोचा खुदकुशी करके अपने आप को खत्म कर लूं। बेटा तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, तुम्हें अब कोई जुल्म सहने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ और अपना सामान ले आओ। नहीं बाबा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अभी भी मेरे इतना साथ दे रहे हैं, लेकिन मैं आतिफ को एक आखिरी मौका देना चाहती हूँ। अगर एक महीने में सब कुछ ठीक हो गया तो सही है, नहीं तो मैं खुद आप लोगों के पास वापस आ जाऊँ। हेलो, आपने कहा था कि आप उसे समझाएंगे, अरे क्या समझाया आपने उसे? यहाँ आते साथ ही उसने फिर खुदकशी करने की कोशिश की है, और इस बार
कोशिश जानलेवा साबित हुई है। क्या मतलब है तुम्हारा जानलेवा से? क्या हुआ मेरी बेटी को? हदीका ने अपनी जान ले ली है, वो मर चुकी है। क्या? नहीं, नहीं, हदीका नहीं मर सकती। नहीं, मेरी बेटी नहीं मर सकती। नहीं, संध्या, संध्या, संध्या। हदीका, मेरी बेटी। आंखें खोल दे, तेरा बाप तुझे लेने आया है। देख, तेरी माँ भी आई है। वैसे भी खुदकशी की कोशिश की थी, नींद की गोलियां खा ली थी, बड़ी मुश्किल से जान बचाई, मगर इस बार जैसा अल्लाह को मंजूर। मगर आप लोग उस वक्त थे कहाँ पे? आप में से कोई तो उसे रोक सकता था। इंस्पेक्टर साहब, हम कैसे रोकते? घर पे कोई था ही नहीं, और मैं और मेरी बेगम तो शॉपिंग करने गए थे। मेरा बेटा ऑफिस में था, घर में तो वो अकेली थी, और अगर मुझे पता होता कि वो ये हरकत करने वाली है तो हम उसे कभी भी घर में अकेला छोड़ के नहीं जाते। मगर ऐसी क्या बात हुई होगी कि उसने खुदकुशी जैसा इकदाम उठाया? उसका शौहर से तो झगड़ा नहीं हुआ था? अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, इनकी तो लव मैरिज हुई थी, मगर कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता है, मुझे तो ये नफ्सियाती केस लगता है। ये पहले भी कई बार खुदकशी की कोशिश कर चुकी थी, आप चाहें तो हॉस्पिटल से रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ल खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। हदीका की मौत की वजह खुशी नहीं है मैडम, कत्ल है कत्ल। और इस केस को पुलिस की मुट्ठी गर्म करके बंद करवा दिया गया है। देखिए नईम साहब, मुझे आपके दुख का अंदाजा है, हमदर्दी भी है मुझे आपके साथ, लेकिन मैंने ये सारी पुलिस की तफ्तीश देखी है, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि तमाम शवाहिद इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपकी बेटी हदीका ने खुदकुशी ही की है। ओह माय गॉड, इतनी सारी नींद की टेबलेट खा ली। कि इस तफ्तीश में तो एक SMS का भी जिक्र है जो हदीका ने अपनी वालिदा को किया था, और पुलिस इसको सुसाइडल नोट के तौर पर ले रही है। हाँ मैडम, उस SMS में तो यही लिखा हुआ था कि वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी का खात्मा कर रही है और किसी पर भी उसकी मौत की जिम्मेदारी आयद नहीं होती। मगर उसी SMS की वजह से ही मैं आतिफ पर शक जाहिर कर रहा हूँ। क्या मतलब? बात दरअसल ये मैडम के मेरी बेटी आतिफ के साथ खुश नहीं थी, वो उससे अलहदगी इख्तियार करना चाहती थी, और घरेलू झगड़ों से तंग आकर उसने कई मरतबा बल्कि चंद रोज पहले ही उसने अपनी जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। जब ये बात हमारे इल्म में आई तो हमने उसे तलाक का मशवरा दे दिया और उसे इस बात की यकीन दहानी भी करवाई कि हम तेरा साथ देंगे,
अब आप ही सोचे मैडम, इतनी यकीन दहानी कराने के बावजूद मेरी बेटी अपनी जिंदगी का खात्मा कैसे कर सकती है। अच्छा वैसे इसमें मुझे हदीका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नजर नहीं आई। हदीका का पोस्टमार्टम नहीं किया गया? योर ऑनर, हदीका की मौत के बाद जिस उजलत में उसके शौहर ने उसकी तदफीन की और तमाम लोगों में ये तासुर दे दिया कि हदीका ने खुदकुशी की है, और इसके बावजूद योर ऑनर पुलिस ने हदीका का पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया। सर, इन तमाम हालात की रोशनी में हदीका के वालदैन को ये शक है कि हदीका ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसका कत्ल किया गया। मगर लड़की की तदफीन के वक्त उसके वालदैन ने एतराज क्यों नहीं किया? योर ऑनर, हदीका के वालदैन तो शदीद सदमे में थे, सकते की हालत में थे, उन्हें तो कुछ होश ही नहीं थी कि क्या हो रहा है। हदीका की मौत उसके ससुराल में हुई और तमाम मामलात, आखिरी रसूमात, हत्ता के पुलिस के साथ जो मामलात भी तय पाए वो भी उसके ससुराल वालों ने। योर ऑनर, हमारी अदालत से दरख्वास्त है कि हदीका की कब्र कुशाई की इजाज़त दी जाए ताकि मालूम किया जा सके उसकी मौत की असल वजह क्या है। यह अदालत हदीका आतिफ की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम करने का हुक्म देती है और इस बात का भी हुक्म दिया जाता है कि उसकी तमाम तर रिपोर्ट इस मुकदमे की आइंदा समाप्त पर अदालत में पेश की जाए। अदालत बर्खास्त की जाती है। थैंक यू सर। मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे हदीका की मौत को कत्ल साबित कर सके। उसके फादर को उस पर गलती शक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ना तो उसके जिस्म पे किसी किस्म के तशद्दुद के निशान है और ना ही कोई मजामत। खुदकुशी के लिए उसने स्लीपिंग पिल्स नहीं बल्कि जहर का सहारा। हो सकता है पहले स्लीपिंग पिल्स थोड़ी मकदार में वो सिर्फ घर वालों को डराने के लिए खाती हो और इस मरतबा उसने अपनी जान लेने का पक्का इरादा किया था, इसलिए पॉइजन ट्राई किया। मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हदीका मां बनने वाली है। नहीं, इस बात का उसको इल्म था या नहीं? अच्छा, उसके एसएमएस का रिकॉर्ड्स का प्रिंट आउट है। तुमने देख लिए सारे रिकॉर्ड? नहीं मैडम, अभी प्रिंट निकाल कर लाया। ये तो एक महीने के रिकॉर्ड्स हैं। इसको तो टाइम लगेगा सब देखने के लिए। एक तो ये चेक करो कि ये जो उसने आखिरी एसएमएस भेजा था जिसको पुलिस सुसाइडल नोट कह रही है, उसका टाइम देखो, उसकी लैंग्वेज देखो, और पिछले जो इसने एसएमएस भेजे हुए हैं देखो, उनके साथ ये लैंग्वेज मिलती है। ये लगता है कि इसी का लिखा हुआ मैसेज है। ठीक है। और सेकेंडली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज़रा टाइम ऑफ डेथ देखना, और ये जो पिछले लास्ट इसके चार पांच मैसेजेस हैं ना, ये कितने बजे भेजे गए और इन मैसेजेस के टाइम ऑफ डेथ में कितना फ़र्क है। तुम कह रहे थे कि उसको पता नहीं मालूम था या नहीं कि वो माँ बनने वाली है। उसे मालूम था। ये एक उसे लैब से मैसेज आया हुआ है कि आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट तैयार है, और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है
कि उसे इस रिपोर्ट की इतनी खुशी थी कि उसने फौरन जाके एक बेबी शॉप पर अपने बच्चे के लिए कपड़े खरीदे हैं। ये देखो, क्रेडिट कार्ड की एक ये रिपोर्ट आई हुई है, बेबी केयर शॉप से शॉपिंग की हुई। एक औरत जिसको अपने होने वाले बच्चे की इतनी खुशी हो कि रिपोर्ट मिलते ही वो शॉपिंग पे चली जाए, वो भला अपनी जान कैसे ले सकती। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने तो उसे कत्ल शुबे अम्त का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। आतिफ साहब, हदीका ने अपनी मौत से चंद रोज पहले भी खुदकुशी की कोशिश की थी, आखिर उसे ऐसी क्या परेशानी थी? नफ्सियाती मामला था, माँ बाप ने इलाज कराने की जहमत ना की, और ये परेशानी की कहानी नईम साहब ने खुद घड़ी। हदीका तो खुद खुशी से घर वापस आई थी और उसने मुझे मैसेज किया था कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, घर जल्दी आ जाना। और जब मैं घर पहुंचा तो वो सरप्राइज एक खुदकुशी थी। आतिफ साहब, वो आपको सरप्राइज देना चाहती थी और सरप्राइज ये था कि वो मां बनने वाली थी। मेरी ये सब नॉलेज में नहीं। आपके इल्म में ये बात तब आती ना अगर वो जिंदा रहती। बहरहाल आप ये बताइए कि हदीका की मौत के वक्त आप कहां थे? उस वक्त मैं ऑफिस में था, अपने एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। आप चाहें तो मेरे ऑफिस से मालूम कर सकते हैं। उसी दौरान पापा ने फोन पर ये बताया कि हदीका ने नींद की गोलियां खा ली और खुदकुशी कर ली है। तो बस मैं सारे काम से जान छुड़ाकर फौरन पहुंचा, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी, वो मर चुकी थी। आतिफ साहब, पुलिस को उस कमरे से कुछ खाली रैपर्स नींद की गोलियों के जरूर मिले, लेकिन जितनी मकदार में वो गोलियां थी उससे मौत वाकई नहीं हो सकती। और नींद की गोलियां इतनी जल्दी असर भी नहीं दिखाती कि एकदम से मौत वाकई हो जाए। और सबसे अहम बात तो ये है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि हदीका के जिस्म में नींद की गोलियों के कोई असरात नहीं पाए गए। वो नींद की गोलियां उसने नहीं खाई थी, हदीका की मौत तो जहर से हुई। बहरहाल आपने कहा कि उसकी मौत के वक्त आप अपने ऑफिस में थे और हम इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। हदीका की मौत की खबर आपके वालिद साहब ने आपको दी। योर ऑनर, मैं इनके वालिद खुर्शीद अंसारी को कटहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत। अंसारी साहब, पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक हदीका की लाश सबसे पहले आपने देखी। जी। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक आपने लाश देखी, उसके बाद आपने अपने बेटे को फोन किया और फिर पुलिस को खबर दी। आपने हदीका को अगर बेहोशी की हालत में पाया तो आपको तश्वीश नहीं हुई? आप उसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर गए, हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गए, कोई एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलवाई? वकील साहिबा, सबसे पहले तो मैंने जब उसको जाके देखा तो वो बिल्कुल बेहोश थी। मैंने उसको काफी हिला के पानी वानी डाल के उठाने की कोशिश करी, मगर सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। फिर मैंने अपने मोहल्ले के डॉक्टर को बुलाया था और उसी ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा कि आप क्या साबित करना चाह रही हैं। अंसारी साहब, मैं ये साबित करने की कोशिश कर रही हूँ कि हदीका ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसे कत्ल किया गया है। ऑब्जेक्शन जनाब आला। आमिना कबीर साहब एक तजुर्बेकार और माहिर वकील हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सुसाइड नोट की मौजूदगी में एक खुदकुशी को कत्ल ठहराना नाकाबिले फहम है। नाकाबिले फहम तो ये बात है वकील साहब कि हालांकि इससे पहले हदीका ने खुदकुशी की कई मर्तबा कोशिश की,
उसके बावजूद उसने कभी सुसाइड नोट छोड़ने का नहीं सोचा। और हैरत की बात तो ये भी है कि इससे पहले उसने खुदकुशी की कोशिश नींद की गोलियां खाकर की। इस मरतबा नींद की गोलियों के खाली रैपर्स तो उस कमरे से मिले, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक हदीका की मौत जहर खाने की वजह से। आखिर सवाल तो ये उठता है कि हदीका का पैटर्न इस कदर क्यों तब्दील हो गया। झूठ मूठ की कोशिशें तो कई बार कर चुकी थी, मगर इस बार उसने हतमी फैसला कर लिया था, इसीलिए नोट लिख दिया। और हो सकता है कि वो अपने माँ बाप को कोर्ट कचहरी से दूर रखना चाहती है, और वैसे भी वो बेचारे इसकी वजह से बहुत जलील हो चुके हैं। अंसारी साहब, आपको कुछ अंदाजा है कि ये सुसाइड नोट आपके गले का फांसी का फंदा बनने वाला है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि हदीका की मौत दोपहर 2 से 3 बजे के दरमियान, जबकि ये सुसाइड का SMS हदीका के फोन से शाम 5 बजे भेजा गया। अगर हदीका दोपहर 2 से 3 बजे के दरमियान मर चुकी थी, तो फिर सवाल ये उठता है कि शाम 5 बजे उसके सेलफोन से किसने ये SMS किया। जनाब आला, अब आमना कबीर साहिबा फिल्मी कहानियां घर में, क्योंकि हदीका के मोबाइल फोन पर पासवर्ड लगा हुआ था जो किसी को भी मालूम नहीं था, तो फिर उस फोन को कौन खोल सकता, कौन इस्तेमाल कर सकता है? योर ऑनर, हदीका के सेलफोन पर जो पासवर्ड लगा था वो उसके शौहर आतिफ को मालूम था, और हमें मुकम्मल यकीन है कि हदीका की मौत की प्लानिंग में उसका शौहर और ससुराल मुकम्मल तौर पर मुलव्वस है। योर ऑनर, इस SMS से हमें बहुत से इंकशाफात हुए। सबसे पहले तो हमने हदीका की 1 महीने की SMS की हिस्ट्री देखी। Your Honor, हदीका इंग्लिश में मैसेजेस भेजती थी, जबकि ये सुसाइड नोट वाला SMS रोमन उर्दू में लिखा गया। और इसके अलावा Your Honor, हदीका की SMS हिस्ट्री में 2 अहम SMS सामने आए। जिस रोज उसकी मौत वाकई हुई, उस सुबह उसे एक लेबोरेटरी का SMS आया कि आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव है, अपनी रिपोर्ट कलेक्ट करें। और Your Honor, इस मैसेज के 1 घंटे के बाद हदीका की क्रेडिट कार्ड कंपनी का मैसेज था, जिससे ये वाजे होता है कि हदीका ने एक बच्चों की कपड़ों की दुकान से अपने होने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग की। योर ऑनर, एक ऐसी औरत जो अपने माँ बनने की खबर पर इस कदर खुश थी कि फौरन अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करने चली गई। अगर वो अपना बच्चा दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी, अगर वो जिंदा रहना ही नहीं चाहती थी, तो फिर उसने शॉपिंग क्यों की? Your Honor, वो खातून जिंदा भी रहना चाहती थी, वो अपना घर बसा बसाया भी रहने देना चाहती थी, वो अपने खानदान को बढ़ाना भी चाहती थी। ड्रामा तो वकील साहब के क्लाइंट्स ने खेला है, एक खूनी ड्रामा रचाया है, हदीका का कत्ल किया गया। Your Honor, जिस वक्त हदीका की मौत वाकई हुई दोपहर 2 से 3 बजे के दरमियान, सवाल ये उठता है कि उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था। सवाल ये भी उठता है कि वो स्लीपिंग पिल्स जो हदीका ने खाए ही नहीं, उसके खाली रैपर्स पुलिस को गुमराह करने के लिए उस कमरे में क्यों फेंके गए? वो जहर जो हदीका ने मुमैना तौर पर खाया होगा, उस जहर की बोतल कहाँ गई? और सवाल तो ये भी उठता है कि क्या हदीका की कत्ल की प्लानिंग में उसका शोहर आतिफ भी मुलव्वस है? नहीं नहीं वकील साहबा, आतिफ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जज साहब, ये सब सच है कि मेरी बीवी रुबीना बहुत नफरत करती थी उससे, और इसने आतिफ की मंगनी बचपन में ही अपनी बहन की बेटी से कर दी थी। मगर आतिफ वो तो हदीका के इश्क में पागल हो गया था। जज साहब, जवान बेटे के खिलाफ हम कैसे जा सकते थे? इसलिए अगर वो बागी हो जाता तो हम गुंडा गुंडी का क्या बनता? ये सच है जज साहब, हमने शादी तो कर दी थी, मगर दिल से उसे बहू कबूल नहीं किया था। जज साहब, रुबीना की बहन को कैंसर हो गया था,
और वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में था। हमें उसकी बेटी की भी फिक्र थी जिसे हम बहू बनाना चाहते थे। हदीका अपनी माँ के घर नाराज होकर चली गई थी, मगर वो अगले दिन सुबह वापिस आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम वापिस आ गए? लेकिन आतिफ तो कह रहे थे कि तुम अपने माँ बाप के घर रुकोगी। आंटी मुझे आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज सुनानी है। गुड न्यूज क्या? आप दादी बनने वाली हैं। दादी? ये बात तुमने आतिफ को बताई है? अभी तक तो नहीं बताई, लेकिन अभी फोन करती हूँ और फौरन बताती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बातें फोन पे थोड़ी बताते हैं, ये तो सरप्राइज है। तुम उसको मैसेज कर दो कि शाम में तुम्हारे लिए सरप्राइज है, फिर सब हम लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? सुनो, तुम ज्यादा चलना फिरना नहीं, जाके आराम से बैठो बेड पे, तुम्हारे लिए दूध बना के लाती हूँ गर्मा गर्म। ये लो बेटा, दूध पी लो। शाबाश, तुमने मैसेज कर दिया आतिफ को? जज साहब, जब मैं घर आया पूरे घर में हर तरफ सन्नाटा था, मैं बड़ा परेशान हुआ, लेकिन फिर मुझे हदीका के कमरे से कहकों की आवाजें आने लगी। क्या रुबीना? अरे इसे क्या हो गया? चुप चुप चुप, ऐसा बोलो, सो रही है? नहीं नहीं, मर गई है, मैंने मारा है। क्या? तुमने मार दिया? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मार दिया मैंने इसको, मार दिया, मार दिया। देखो, इसको तुमने नहीं मारा। नहीं, तुमने इसको नहीं मारा, इसने खुदकशी की है, समझी? इसने खुदकशी की है। जाओ जल्दी से मेरी स्लीपिंग पिल्स लेकर आओ। सब मैंने सारे सबूत मिटा दिए, उसके फोन का पासवर्ड मुझे पता था, मैंने उसकी माँ को SMS कर दिया कि मैं खुदकशी कर रही हूँ। मुजिमा रुबीना, आप कटेरे में तशरीफ लाएं। बताओ तुम्हें अपनी बहू से क्या दुश्मनी थी, उसे कत्ल क्यों किया? नफरत करती थी मैं उससे शदीद, मेरी आंखों के सामने रहती थी, मेरा खून खौलता रहता था, मेरे बेटे को पसंद थी वो। बहालात उसको मैंने कबूल किया, वरना मैं उसको कभी कबूल नहीं करती, क्योंकि मैं अपनी बहन की बेटी को लाना चाहती थी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं अपनी भांजी को लेकर आऊंगी, उसे बहू बना के लाऊंगी, लेकिन हमारा खानदान की लड़की ने आके मेरा बेटा वो उसे छीन लिया। बकवास बनकर जल्लाद औरत, एक तो मेरी बेटी की जान ले ली और ऊपर से हमारे खानदान को हवारा कह रही है। जज साहब, इस जल्लाद औरत को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि कभी कोई घराना अपनी बेटियों से महरूम ना हो सके। क्योंकि तुम्हारी बेटी ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया था और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हदीका ठीक कहती थी, आप कभी मेरा घर बसने ही नहीं देना चाहती थी, और एक बात जान ले, मैं अब कभी शादी नहीं करूंगा। तू बोल रहा है? देख रहे हो? तूने मेरी बेटी को क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने? मेरी बेटी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी थी। और आप लोग खामोश हो जाएं, आप लोग खामोश हो जाएं। क्यों मारा मेरी बेटी? वो
वकला की बहस और पेश किए गए शवाहिद की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि हदीका की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है। लिहाजा ये अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि मुलजिमा रुबीना खुर्शीद और उसके शौहर खुर्शीद अंसारी को कमरा अदालत से गिरफ्तार करके उनके खिलाफ 302/34 के तहत चालान तैयार किया जाए और इस मुकदमे की आइंदा समाअत पर अदालत में पेश किया जाए। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@summer.tv।